Well, another spacecraft is now on Mars. Chinese state media says China landed its rover on the red planet overnight. China has successfully landed a rover on Mars, joining the U.S. and the former Soviet Union as the only other countries to land on the red planet. The U.S. and China are clearly in a political competition here on Earth. दोस्तों स्वागत है आपका क्वारी एफएक्स के एक नए वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना के तियानवेन वन मिशन के बारे में। तियानवेन वन चाइना का लेटेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल मार्स मिशन है जो चाइना को दुनिया की उन चुनिंदा कंट्रीज के लिस्ट में शामिल करता है जो कंट्रीज मार्स पे एक सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना के इसी तियानवेन वन मिशन और जुरोंग रोवर के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रशिया और चाइना के बीच में इस चीज को लेकर एक एग्रीमेंट भी साइन हो गया था। इस एग्रीमेंट के हिसाब से रशिया चाइना के 2011 के मार्स मिशन में चाइना को हेल्प करने वाला था और ये दोनों देश मिलकर चाइना को दुनिया का फोर्थ कंट्री बनाने वाला था जो मार्स तक अपना कोई ऑर्बिटर या फिर सैटेलाइट भेज पाए। पर अनफॉर्चुनेटली चाइना का ये स्पेस प्रोग्राम फेल हो गया। टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये सैटेलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर भी क्रॉस नहीं कर पाया और दबा हो गया। चाइना के इस फेल्यूर के बाद इंडिया को एक मौका मिला इस फील्ड में चाइना को बीट करने का और इंडिया ने ठीक वैसा ही किया। 5 नवंबर 2013 में इंडिया ने अपना फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी स्पेस मिशन मंगलयान को लॉन्च कर दिया और 24 सितंबर 2014 को यह स्पेसक्राफ्ट मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा। इसी चीज के साथ इंडिया दुनिया का पहला ऐसा कंट्री बन गया जो अपने फर्स्ट ट्राई में ही मार्स तक एक सक्सेसफुल मिशन करने में सफल हुआ। पर चाइना के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था और इसीलिए चाइना ने 2016 में फिर से एक नई मार्स मिशन की प्लानिंग करना शुरू किया और इसी प्लानिंग से निकल के आया चाइना का तियानवेन वन मार्स मिशन जो अपने आप में ही बहुत यूनिक और अभी तक मार्स तक किए जाने वाले सभी मिशन से सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मिशन है। चाइनीज में तियानवेन वर्ड का मतलब है क्वेश्चन टू द हेवन। इस मिशन को एंशिएंट चाइनीज पोएट क्यू यॉन के एक पोएम के नाम पे नामकरण किया गया है और इसके नाम के तरह ही ये मिशन भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। चलिए जान लेते हैं इस मिशन के उन एलिमेंट्स को, उन कंपोनेंट्स को जो इस मिशन में शामिल थे। तियानवेन वन मिशन में मेनली चार कंपोनेंट्स शामिल थे। एक है ऑर्बिटर, दूसरा है एक डिप्लॉयबल कैमरा, तीसरा जो चीज है वो है लैंडर और चौथा जो चीज है वो है द जुरोंग रोवर। 5 टन का पूरा ये मिशन करीब 13 साइंटिफिक इक्विपमेंट्स को कैरी करता है। इस मिशन में चाइना ने एक ऑर्बिटर के साथ एक रोवर को भी मार्स के सतह पर लैंडिंग करवाया है जो इस मिशन को अपने आप ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है। अर्थ से पहले एज ए होल ये ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को मार्स के ऑर्बिट तक पहुंचाया जाता है, फिर मार्स के ऑर्बिट में ही ये लैंडर रोवर को लेकर ऑर्बिटर से अलग हो जाता है और मार्स के सतह की तरह बढ़ता है और लैंडिंग करता है और आखिर में उस लैंडर से निकल के आता है जुरोंग रोवर जो मार्स के सतह के ऊपर बहुत से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करता है। ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि इंडिया ने सेम चीज को अपने चंद्रयान 2 मिशन में भी मून पर करने की कोशिश की थी पर वो मिशन भी फेल हो गया था। ये मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि इसके पहले किसी भी कंट्री ने एक साथ एक ऑर्बिटर और एक रोवर को किसी मिशन में मार्स पे नहीं भेजा था। यूएस और यूएसएसआर ने इसके पहले जितने भी सक्सेसफुल मार्स मिशन किया है उन सभी में या तो सिर्फ ऑर्बिटर या फिर सिर्फ लैंडर और रोवर को भेजा गया था मार्स पे और इसीलिए ये मिशन चाइनीज स्पेस एजेंसी का कैपेबिलिटी भी शो करता है। तियानवेन वन मिशन को लॉन्च किया गया 23 जुलाई 2020 में चाइना के लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के द्वारा। ये रॉकेट चाइना का उसी लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का ही एक वेरियंट है जो कुछ दिन पहले इंडियन ओशन में क्रैश कर गया था। ये केस चाइना के केयरलेसनेस का भी एक एग्जाम्पल है, जो भी हो इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। 10 फरवरी 2021 को ये मार्स ऑर्बिटर मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा और 14 मई 2021 को लैंडर ऑर्बिटर से अलग होकर मार्स के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग किया मार्स के यूटोपिया प्लैनेशिया नाम के जगह पे।
माना जाता है कि मार्स में इसी जगह पे एंशिएंट टाइम में कभी एक ओशन हुआ करता था, और ये रोवर भी उसी चीज के बारे में खोज करेगा यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। रोवर पे लगा हुआ बहुत सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स यहाँ पे मार्शियन सरफेस के जियोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर्स को समझने में मदद करेगा। इसके अलावा भी इस मिशन में यहाँ पे मार्स में पास्ट में वाटर होने का इंडिकेशंस का भी तलाश किया जाएगा। 2014 के इंडिया के मंगलयान के बाद ये कन्फर्म हो गया था कि मार्स में एक समय पानी का वजूद था। अब ये रोवर यूटोपिया प्लैनेशिया नाम के इस जगह पे वाटर का खोज करेगा, और इससे हमें फ्यूचर में एंशिएंट मार्स का वाटर और अगर वहाँ पे कभी लाइफ एग्जिस्ट करता था तो उसके बारे में भी पता चलेगा। जुलाई 2020 के विंडो में मार्स तक अर्थ से करीब 3 मार्शियन एक्सप्लोरेशन मिशन को लॉन्च किया गया था। उनमें से सेकेंड था ये तियानवेन 1 मिशन। इसके पहले यूएई ने अपना होप ऑर्बिटर मिशन मार्स तक भेज दिया था, और इंडिया के बाद दूसरा ऐसा कंट्री बन गया था जो अपने पहले मिशन में ही मार्स तक सक्सेसफुली एक ऑर्बिटर को भेज पाए। इसके अलावा भी नासा के तरफ से भी अपने परसेवेरेंस रोवर को मार्स तक भेजा गया था, जो इंजीनिटी नाम के एक हेलीकॉप्टर ड्रोन को भी अपने साथ कैरी करता है। अच्छी बात यह है कि ये तीनों मिशन ही सक्सेसफुल हुए, और ह्यूमंस के लिए रेड प्लैनेट को समझने में ये मिशंस एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वारियर फैक्ट्स की तरफ से मैं रॉय आज आपसे अलविदा चाहता हूँ। हैव अ गुड डे।